हेलो फ्रेंड्स, अब आप घर बैठे कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज ले सकते हैं वो भी सर कुंदन के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको कंप्यूटर शुरू से जानकारी चाहिए तो आप फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लासेस तक हमने आप लोगों को नोटपैड में फाइल मेनू कंप्लीट कराया था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिट मेनू को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडे इज माय टॉपिक एडिट मेनू। तो फ्रेंड्स, एडिट मेनू में हम लोगों का क्या क्या है, आइए फ्रेंड्स हम लोग उसको सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉफ्टवेयर ऑन कर लें, विंडो प्लस आर करें और फ्रेंड्स इसमें आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखें। तो फ्रेंड्स, आपका ये सॉफ्टवेयर आपका ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम लोग एडिट मेनू में हम लोगों का सबसे पहले अंडू कमांड है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, फाइंड, फाइंड है, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट और टाइम टू। तो फ्रेंड्स, आपको हर एक कमांड का बारीकी से जानकारी लेना हो तो आप हमारे चैनल पे रुके रहें और ये पूरा वीडियो देख के जाएं। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग अंडू कमांड पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अंडू जो होता है हमारा उसको हम आपको बताना चाहेंगे। अंडू कोई भी डाटा को बिना डिलीट किए वो वापस जा सकता है और फिर वो रिकवर भी हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स, ये कमांड्स का जो फ्रेंड्स यूज होता है वो कमांड्स होता है कि डाटा को आप डिलीटेड डाटा को रिकवर कैसे करते हैं। तो अंडू हमारा डाटा को रिकवर भी करता है और फिर रेडू कर देता है। तो फ्रेंड्स, आइए कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले देख रहे हैं कि ये हमारा अनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो आपको ये सब सारे को एक्टिव करने के लिए कुछ फ्रेंड्स आपको टाइप करना होगा, लिखना पड़ेगा, तभी आप इस कमांड्स का यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग अंडू का कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए जैसे ही आप कोई भी एनीथिंग नाम लिख लीजिए तो आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी एडिट मेनू में अंडू आपका एक्टिव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आप अंडू कर दीजिए, जो भी आप उसमें डाटा लिखे हुए रहेंगे। फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो डाटा था वो खत्म होकर के पहले वाला डाटा आ गया। तो फ्रेंड्स, अब ये चाहते हैं कि ये जो डाटा है हमारा इसको हम डिलीट कर दें। तो हम लोग की बटन से डिलीट बटन प्रेस कर दिए। अब वो डाटा को फिर से वापस लाना है तो अंडू करेंगे। फ्रेंड्स, आप क्या देख रहे हैं, हम लोग आ गया। फिर से आप फ्रेंड्स एडिट में अंडू करेंगे, फिर से ये चला जाएगा। तो ये कमांड है फ्रेंड्स कि आप डाटा जो भी डिलीट करेंगे वो आप उसको रिकवर कर सकेंगे, या आप लिखते हुए क्रम में आप उसको चाहते हैं कि हटा दें तो बिना डिलीट किए भी आप रीडू कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको ट्राई करके दिखाते हैं। विंडो प्लस आर करते हैं और यहाँ से फिर से हम नोट पैड ऑन करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैक्सिमाइज करके इसको पूरा पोजिशन कर लिए हम, और अब यहाँ पर से नाम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एडिट में जाइए और एंटर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बिना डिलीट डाटा चला गया, इसको हम लोग बोलते हैं अंडू। और फिर आप एडिट में अंडू करेंगे फ्रेंड्स तो वो वापस आ जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अंडू कमांड आप सीख चुके हैं, या फ्रेंड्स आप इसका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप बहुत सारे जैसे 10 नेम्स हम लिखते हैं, जैसे श्याम कुमार, राजकुमार, या आप कंट्रोल बटन